फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये कैप कैसे बुनी जाती है वो बताऊंगी, और ये एडल्ट के लिए मैं ये टोपी बना रही हूँ। देखिए, इसमें डिज़ाइन भी डाला है और इसमें घटाई कैसे की जाती है ऊपर से वो भी बताऊंगी। और इसमें मैंने 126 फंदे डाले हैं और बॉर्डर हाथ से बुना हुआ है। अब हमने क्या करना है, 2 रो लगानी है। 2 रो लगाने के बाद क्या करेंगे, 16 फंदे काउंट करके एक नीडल खाली कर लेंगे, साइड में एक नीडल खाली कर लेंगे और बीच में हमारे 16 फंदे रह जाएंगे। इस तरह से हमने एक नीडल का गैप देना है और बीच में हमारी 16 नीडल रह जाएगी, और 16 नीडल में हमने डिज़ाइन डालना है। इस तरह से हमने ये जो नीडल है सेलेक्ट कर लेनी है। देखिए, 16 नीडल के बाद एक नीडल खाली कर लेनी है। खाली करने के बाद 2 रो लगाएंगे, और हमने 3 और 2 का ये ट्रांसफ़र टूल यूज़ करना है। फिर क्या करना है, 2 फंदे छोड़ के 2 फंदे हमने इस तरह से निकाले और 3 फंदे हमने ट्रांसफ़र कर लेने एक साइड को, 2 फंदे हमने अंदर की साइड को ले जाने हैं। इस तरह से ये बाहर की साइड को 3 फंदे निकाल लिए और 2 फंदे अंदर की नीडल में डाल देने, इस तरह से हमने। और जो 16 नीडल आगे है उस पर हमने डिज़ाइन नहीं डालना है, एक जो आगे 16 फंदे हैं उसी पे हमने डिज़ाइन डालना है। बीच में जो 16 फंदे हैं उनको हमने डिज़ाइन नहीं डालना है। इस तरह से 2 फंदे छोड़ के हमने ये एक साइड 5 फंदे का ये हमारा केबल डलेगा और 2 फंदे हमारे बीच में छोड़ देने हमने, ऐसे सिंपल ही। इस तरह से नीडल आगे करने के बाद इनको थोड़ा सा पीछे कर लेंगे और 6 रो लगा लेंगे। 6 रो लगाने के बाद फिर हमने वही जो 2 फंदे पहले निकाले थे, 3 फंदे इधर को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और 2 फंदे अंदर की साइड को ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरह से हमने ये 3 बार ऐसे ही करते जाना है। और जो बीच में हमने 16 फंदे खाली रखे हैं उसमें हमने बाद में 3 के बाद इसमें डिज़ाइन डालना है। और नीडल आगे करने के बाद 6 रो और लगाएंगे। सिक्स रो लगाने के बाद फिर हमने एक बार फिर इस तरह से ये फंदे पलटने हैं। और ये हमारे 3 बार फंदे हमने पलट लिए, 3री बार हैं ये। उसके बाद हमने जो हमने सिंपल फंदे रखे हैं बीच में, जो हमारे 16 फंदे सिंपल हैं उसमें हमने ये डिज़ाइन बुनना है। और 6 रो लगा लेंगे अब इसके बाद। देखिए, अब ये 3 बार हो गए। अब हमने क्या करना है, ये जो बीच में खाली है इसमें हमने यही डिज़ाइन डालना है, और जो साइड में ये इधर हमने इस तरह से ही 3 बार और डालना है ये।
और इसकी जो लेंथ है कटिंग तक वो हमने 5 या 6 इंच रखनी है। वो आप अपने हिसाब से लेंथ रख सकते हैं और इस टोपी को कोई भी डाल सकता है। देखिए ये कंप्लीट हो गई और जो फंदे हमने खाली किए थे उन्हीं नीडल को हमने भर लेना है ऐसे। इनमें हमने इस तरह से फंदे डाल देने हैं और देखना इस तरह से हमने अब ये कटिंग करनी है कि ये कटिंग कैसे की है वो बताऊंगी। देखिए इस तरह से अब क्या करना है। अब हमने साइड में 13 नीडल काउंट करनी है। थर्टीन नीडल के बाद एक नीडल आगे और 2 नीडल पीछे रख लेंगे। फिर हमने 20 नीडल काउंट करके एक नीडल आगे करेंगे और जो बीच में 2 नीडल पीछे रख लेंगे। इस तरह से 20 नीडल काउंट करके एक नीडल आगे कर लिए, 2 नीडल पीछे रह जाएगी। साइड से भी हमने बराबर उतने ही करने हैं, 30 नीडल साइड में। और आप जितने भी आपने कैप में फंदे डाले होंगे उसी हिसाब से आपने बीच में फंदे रखने हैं। और मैं ये इसमें बीच में 20 फंदे रख रही हूँ और साइड में 13 है, 13 और जो बीच में 2 नीडल पीछे है उनके बीच में हमने क्या करना है, इस ट्रांसफ़र टूल से हमने इस तरह से वेस्ट धागा यूं इस नीडल को डाल के इस तरह से हमने वेस्ट धागा डाल देना है ताकि हमारे लिए आसानी हो। ये जितने भी फंदे हैं हमने घटाते जाना है ऊपर तक और ये ऐसे ही इस तरह से नीडल डाल ली और ये जो 2 फंदों के बीच में हमने इस तरह से ये जो वेस्ट धागा है वो निकाल लेना है। इस तरह से हमने ये जितने भी हमने गैप डाला है उसमें हमने 5 बार का है ये, तो हमारे हर बार 2 रो के बाद हमारे 10 फंदे घटेंगे। देखिए दोनों साइड से हमने एक एक नीडल खाली करनी है और ये बीच के 2 फंदे इनमें हमने ये फंदे डाल देने हैं इस तरह से। देखिए और ये यूं हम घटाते जाएंगे। दोनों साइड और फिर क्या करना है हमने, ये देख लिए 10 फंदे हमारे घटते जाएंगे। हर 2 रो के बाद हमने 10 फंदे घटाने हैं। इस तरह से हमने ट्रांसफ़र टूल से ये 3 वाला जो ट्रांसफ़र टूल है, आपके पास अगर 4 का हो तो 4 से भी आप आगे फंदे इस तरह से ये ट्रांसफ़र कर लेंगे, आगे ले जाएंगे। दोनों साइड से बीच की जो नीडल है ये साइड के 2-2 और जो बीच में जो वेस्ट धागा लगा रखा है इसी के बीच दोनों साइड से हमने फंदे उठाने हैं और आगे ले जाने हैं और हमारे दोनों साइड से 5-5 फंदे घटते जाएंगे। हर 2 रो के बाद हमने ऐसे ही करते जाना है जब तक हमारे पूरे फंदे घट नहीं जाते, तब तक हम इस तरह से ही घटाते जाएंगे इनको। और ये वेस्ट धागा लगाने का
फ़ायदा इसलिए है कि ताकि हमने जब दोबारा दोनों साइड से फंदे घटाने हैं तो हमें आसानी होगी घटाने की, और हमें पता भी चल जाएगा कि कहाँ हमने फंदे दोनों साइड घटाने हैं, इसलिए हमने वेस्ट धागा लगाया है इसमें। इस तरह से हमने नीडल आगे करते जाना है और जो खाली नीडल है उनको हम पीछे करते जाएंगे। दोनों साइड से, एक साइड से हमारे 5 फंदे घटेंगे, दूसरी साइड से भी हमारे 5 फंदे घटेंगे। इस तरह से हमारे 2 रो के बाद 5-5 फंदे, मतलब 10 फंदे हमारे घटेंगे। आप जितने भी कैप में फंदे रखेंगे उसी हिसाब से आप डिवाइड कर लें कि कितने फंदे आपने बीच में रखने हैं और किस हिसाब से आपने फंदे घटाने हैं। मैंने ज़्यादा फंदे रखे थे तो इसी हिसाब से इसमें 5 का जो घटाने का है ये 2-5 में डिवाइड किया है। आप 4 में डिवाइड भी कर सकते हैं इसको, मैंने ये 5 में डिवाइड किया है। इस तरह से और 2 रो लगा लेंगे। 2 रो लगाने के बाद देखिए, अब फिर हमने वैसे ही दोनों साइड से, देखिए ये जो वेस्ट धागा लिया है इसके दोनों साइड से हमने एक एक फंदा घटाना है। बीच वाली 2 नीडल में ये फंदे डालने हैं एक साइड से, देखिए इस तरह से, और आसान सा हो जाता है ये इस तरह से वेस्ट धागा लगाने से। अब देखिए पीछे हमारे 10 फंदे कम हो जाएंगे। अब हमने वैसे ही इनको घटा लेना है, फिर 2 रो लगा लेंगे। 2 रो लगाने के बाद फिर हमने क्या करना है, वैसे ही प्रोसेस करते जाना है जैसे हमने शुरू में किया था। देखिए ये देखिए इस तरह से हमारा ये घटता जाएगा। अब हमने क्या करना है देखिए, इस तरह से ये देखिए दिखाई दे रहा होगा ये आपको कि अब हमारे लिए ये आसानी से यहाँ पता चल रहा है कि हमने कहाँ से फंदे घटाने हैं। इस तरह से हमने ये फंदे घटाते जाना है जब तक हमारा ये फंदे कंप्लीट पूरे घट ना जाए। इस तरह से और हमने जो फंदे हमने खाली किए हैं उनको हमने पीछे कर लेना है और आगे नीडल करते जाना है, और जो खाली नीडल है वो हम पीछे कर लेंगे। इस तरह से हमारे ये फंदे तब तक घटते जाएंगे जब तक हमारे ये फंदे कंप्लीट नहीं हो जाते, पूरे ख़त्म नहीं हो जाते। बीच में हमारे 2-2 फंदे ही रह जाएंगे जिसमें हम घटाई कर रहे हैं। और नीडल आगे एक खाली रह गई है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से।
और टू रो लगा लेंगे। टू रो लगाने के बाद फिर हमने वैसे ही घटाते जाना है। अब हमारे दो दो फंदे हो गए, बीच में भी दो फंदे रह गए, और जिसमें हम घटा रहे हैं वो तो हमारे दो फंदे है ही, और बीच में हमारे दो दो रह गए। अब ये हमारी अगली रो में हमारे ये ख़त्म हो जाएंगे। टू रो लगा लेंगे। टू रो लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, देखिए दोनों साइड से एक एक फंदा घटा लिया। अब हमारे कंप्लीट फंदे हो गए, देखिए बीच में सारे फंदे घट गए। अब हमारे दो दो ही फंदे रह गए। देखिए ये हमारे अब पूरे 16 फंदे रह गए ऊपर। अब हमने क्या करना है, एक रो टू रो लगा लेंगे। अब हमने क्या करना है, एक फंदा छोड़ के दूसरे में नीडल में डाल देना है, और एक एक करके ये घटा लेंगे, और ये सारी नीडल आगे करने के बाद एक रो लगा लेंगे। और अब हमने क्या करना है, सिलाई में ये फंदे डाल लेने, इस तरह से नीडल को खाली कर लेंगे, एक एक फंदे को इस तरह से सिलाई में निकाल के इस तरह से डाल लेंगे, और इनको घटा लेंगे। देखना इस तरह से ये घटाने के बाद आता है, और हमने एक फंदे के ऊपर इस तरह से सारे जो फंदे हैं उनको हमने वन बाय वन इस तरह से घटाते जाना है। देखिए इस तरह से घटा लेंगे। इस तरह से घटाने के बाद इस धागे को हम ऐसे खींच लेंगे, और इसको इस तरह से वो कर लेंगे, और ये वेस्ट धागे को भी निकाल लेंगे, और कैप को हम फिर सुई से इस तरह से हम सील लेंगे, दोनों साइड से, सीधी साइड से। आप चाहें तो उल्टी साइड से भी सील सकते हैं, मैं सीधी साइड से ही सीलती हूँ, तो मैं आपको ये सीधी साइड से ही सील के दिखा रही हूँ। इस तरह से हमने दोनों साइड से ये सील लेनी है। इस तरह से हमने इसको सिलते जाना है।
दोनों साइड से हमने इस तरह से इसको सिलते जाना है। ये देखिए।